आज के सेशन को स्टार्ट करने में पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अपना 23-24 का प्रॉफिट एंड लॉस देखा होगा तो कुछ लोग परेशान होंगे कि हाँ मार्केट को इतना प्रॉफिट हुआ, मेरा कम क्यों हुआ, या मार्केट से मेरा ज्यादा हुआ तो खुश होंगे। प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हमेशा पास्ट से सीखिए और फ्यूचर के लिए प्लान कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट से सीखिए, पास्ट पे कभी दुखी नहीं हुआ जाता, पास से सीखा जाता है और फ्यूचर के प्लान किया जाता है। अगर आपने पिछले साल कम हुआ या कुछ हुआ, या पिछले साल ज्यादा हो गया, कोई आपने मिड कैप स्मॉल कैप ले लिए हैं और फिर उसके कहीं पास में जाके देखिए कि किसी सालों में अगर मिड कैप स्मॉल कैप बहुत चले तो उसके आने वाले 1-2 सालों में क्या हुआ। अगर आप पास से सीखेंगे तो आप फ्यूचर में अच्छा करेंगे, लंबे समय तक रहेंगे। मैं आपको केवल एक चार्ज बताता हूँ, मेरे को इस मार्केट में 20-21 साल हो गए, 20-21 साल का एक कंक्लूजन एकदम क्लियर है, मार्केट से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। पहली चीज, मार्केट को टाइम कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कोई अपने आप को कितना भी एक्सपर्ट बन जाए कि हाँ मैं मार्केट को लोवेस्ट लेवल पे खरीदूंगा और हाईएस्ट लेवल पे बेचूंगा, ये हो नहीं सकता। तीसरी चीज कि अच्छे स्टॉक अच्छे रहेंगे और खराब स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी आपके पैसे नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। खराब स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी पैसे नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि खराब स्टॉक में आप 10 खरीदते हैं, 1-2 ऐसा होगा जो 5 गुना 10 गुना हो जाएगा, लेकिन 8 में जो आपके पैसे फंस जाते हैं उनको निकालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। और जो 5 गुना 10 गुना हो जाते हैं वो फिर जब नीचे सर्किट पे बंद होना शुरू होते हैं, अभी सबने देखा अभी पिछले 1-1.5 महीने में IRFC RVNL जब नीचे जाना शुरू हुए, लोगों ने घबरा घबरा के बेच दिया, घबरा के बेच दिया। अब फिर वो ऊपर जा रहे हैं, फिर वो खरीद रहे हैं, ये होगा, ये मतलब ये ऐसा ही होता। क्यों? अगर मेरा HDFC एशियन पेंट HUL नीचे जाएगा तो मुझे डर नहीं लगेगा। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक, मुझे डर नहीं लगेगा। ठीक है नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन अगर आपका IRFC RVNL नीचे जाना शुरू करेगा, टीटागढ़ वगैरह नीचे जाना शुरू करेगा, यूनिटेक नीचे जाना शुरू करेगा, तो आपको डर लगेगा। उस डर में, उस घबराहट में आप गलत डिसीजन लेते हैं, इसीलिए वैसे स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए। एक चीज और बहुत बेसिक, जिसने इस थ्योरी को समझ लिया, मैं बार बार यूज करता हूं, स्टॉक मार्केट में कितना पैसा बनता है? स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। इंडिया की जीडीपी 6-7%, इंडिया का इन्फ्लेशन 6-7%, टोटल जिसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं 12-13% के आसपास है। 12-13% पैसा बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। इसके लिए मार्केट कहती है जो आता है ले लो मुझसे, जिसको चाहिए जिसको चाहिए। 12-13% मैंने आपसे कहा व्हाट मार्केट गिव्स इजीली, सबको कहती है 12-13% ले लो, हम आपको 12-13% दे रहे हैं, वी आर गिविंग यू 12-13%। समस्या क्या है? पीपल आर हैप्पी विद 5-6% इन FD, बट जैसे ही वो स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उनको 40% चाहिए होता, उनको 12% चाहिए ही नहीं होता। यू आर इन FD, यू आर हैप्पी विद 5% 6%, बट यू आर शिफ्टिंग टू स्टॉक मार्केट, यू आर गेटिंग 12% वेरी इजिली, बट स्टॉक मार्केट में आके 12% तो चाहिए नहीं। स्टॉक मार्केट में आते ही आप 50% वाला गेम खेलना शुरू करते हैं, आप वॉरेन बफेट बनना शुरू करते हैं, और इस चक्कर में वो 12% हमें नहीं मिल पाता, हमें मिल नहीं पाता, वो 12% भी नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ी गलती हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। इससे अगर आप बच पाए तो आप खुद पहले आप 12% लीजिए, जो मार्केट दे रहा है वो लीजिए, उसके बाद आप उसको 13, 14, 15 करने की कोशिश कीजिए। पहले 12 तो जो मार्केट आपको इजीली दे रहा है, व्हाट मार्केट इज रेडी टू गिव यू इजीली, प्लीज टेक दैट। ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास पोर्टफोलियो आते हैं, बड़ा दुख होता है कि मार्केट ने आपको निफ्टी जो है आपको रिटर्न दे रहा है 12%, 13%, 14%, और आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न आया 8%। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि आप गलतियां कर रहे हैं। मैं बार बार, 5 पॉइंट है टोटल, 5 पॉइंट। पहला पॉइंट,
आपको मार्केट को टाइम नहीं करना। दूसरा पॉइंट, किसी स्टॉक में 5-6% से कम और 5-6% से ज्यादा नहीं लगाना, यानी आपके पोर्टफोलियो में 20-22 स्टॉक होने चाहिए, 25 स्टॉक होने चाहिए, काम खत्म। डिपेंडिंग अपॉन 4% है तो 25 हो गए, 5% है तो मतलब ना मेरे पास 60-70 स्टॉक होने चाहिए, ना मेरे पास 5-6 स्टॉक होने चाहिए। नंबर 3, मुझे उन स्टॉक्स पे एंट्री लेनी ही नहीं है जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। कंफर्टेबल मतलब जिसके ऊपर नीचे जाने से मुझे डर लगता है। उसको मुझे कोई केमिकल स्टॉक है, कोई गवर्नमेंट स्टॉक है, कोई XYZ है, कोई, अब पिछले 3 दिन से, 5 दिन से यूनिटेक भाग रहा है ऊपर, और जो यूनिटेक में लोगों को, अब मैं क्या बताऊं, यूनिटेक लोग क्यों खरीद रहे हैं मुझे नहीं पता। जिन लोगों ने यूनिटेक के फ्लैट खरीदे हैं पिछले 20 साल में, उनसे पूछिए उनके क्या हालत है, जिन्होंने खरीदे और आज तक नहीं मिला। एक न्यूज आई कि यूनिटेक ने गुड़गांव में कोई एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इस न्यूज पे लोगों ने लाख लाख, 2-2 लाख रुपए यूनिटेक के शेयर में लगा दिए। लगा दीजिए, हो सकता है आपका लाख का 1.5 लाख हो जाए, लाख। लेकिन जब आपके अंदर ये आदत हो जाती है ना, जब आपका आज यूनिटेक में 1 लाख से 1.5 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख से 2 लाख भी हो जाएगा, यू विल ऑन द मनी। लेकिन फिर आपको उस स्टॉक में, उस तरह के स्टॉक में जाने की आदत हो जाती है, फिर आप किस टेक में जाके फंस जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सब लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, सैलरीड क्लास के लोग हैं, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, नहीं समझ में आता, चुपचाप निफ्टी का ETF खरीद लो, 12-13% साल का बन जाए। प्लीज अपने पैसे को वेस्ट ना करें। मैं बार बार आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ, मुझे, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं आप में से एक आदमी को एजुकेट कर पाया कि आपका पैसा बहुत मेहनत का है, प्लीज अगर जुआ सट्टा स्पेकुलेशन करना है तो उसकी सही जगह गोवा के कैसीनो है, स्टॉक मार्केट नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो जो TV पे दिन भर आता है, Dream11 और Fuji.com, पता नहीं क्या क्या आता है, वो खेल लो, ज्यादा अच्छा है। स्टॉक मार्केट में मत खेलो, अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। जो लोग पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए आते हैं, मैं उनको देख के इतना दुख होता है ना, बहुत दुख होता है, कि ये पर्सन को मैं देख रहा हूँ, मैं उसको देखता हूँ सेशन में, 6 महीने से, 1 साल से सेशन अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं सर मैं अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास आते हैं, मुझे पैसे देते हैं, और उसके बाद उस पोर्टफोलियो को देख के मेरा दिल दुखता है। पैसे आपके हैं, बर्बाद आपके हो रहे हैं, मेरे को कोई दुख नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों दुखता है, कि क्यों ऐसे ही होता है रिटेलर्स के साथ। प्लीज ऐसी गलती ना करें, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने पैसे को, मेहनत से कमाए हुए पैसे को बचाएं। कुछ नहीं आता, चुपचाप निफ्टी ETF खरीदे, काम खत्म। 12% रिटर्न मिलेगा, और 12% रिटर्न बहुत अच्छी रिटर्न होती है, बहुत अच्छी रिटर्न होती है। दिक्कत कहाँ है कि आपको 50% रिटर्न चाहिए, उस 50% के चक्कर में आप 5% भी नहीं ले पा रहे, समस्या ये। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक डेटा दिखाता हूँ, ऐसे मैंने 2-3 उस पर डालने की कोशिश की थी। आपको ये देखिए, ये आपके सामने डेटा है निफ्टी का, इसको देखिए, किसी भी 20 साल को देखिए ध्यान से, एनी 20 ईयर, 1960 टू 2016, 17 से 70, 90 ऐसे करते हुए 20 साल का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़े आराम से एवरेज आप देखोगे 12% की रिटर्न बनती है। क्या दिक्कत है, क्यों दिमाग लगाना है, क्यों सोचना है कि HDFC खरीदूं या ना खरीदूं, HUL खरीदूं या ना खरीदूं, ये वाली बात आपको सोचना ही क्यों है। इस बात को सोचने पे दिमाग ना लगाएं, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। एक सिंपल डेटा मैंने आपको दिखाया, किसी भी 20 साल का डेटा मैंने आपको दिखाया, जहां पर आप जो है पैसा आपका बनता है, अच्छा खासा बनता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, किसी भी, और आपका टाइम और अच्छा है, आप जिस टाइम में आए हैं इस मार्केट में वो बहुत अच्छा है। मैं तो तब आया था 2004-05 में, जबकि देखो 2004-05 से 2020 की जर्नी अगर आप देखोगे तो 9% की हुई है, लेकिन वही जो लोग
दो में आए, तीन में आए, चार में आए, पांच में आए, वो डिपेंड करता है किसमें कब कहाँ पे आए। हम लोग दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के लिए 2001 में आए थे, ऐसा मतलब था एक टाइम, लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि हमने पैसे को वेस्ट नहीं किया। हमें आप मार्केट में, आप इस बात को समझो, ये जो 12% है ना एवरेज, अगर आप देखोगे 12% के आसपास का एवरेज आता है, ये 12% बहुत अच्छी रिटर्न है। क्योंकि जिस दिन आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने शुरू कर देते हो, उस दिन 10% की रिटर्न तो आपकी सेविंग से हो जाती है, आपकी फिजूल खर्चे बच जाते हैं। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई जवाब दे कि पिछले 1 साल या 1.5 साल से, जब से आप स्टॉक मार्केट, बहुत सारे लोग 2020 के बाद आए होंगे, जब से आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, क्या आपकी सेविंग्स बढ़ गई है कि नहीं, जो आप सेविंग करते थे। मेरे साथ क्या होता है, मेरे अकाउंट में पैसा होता है और मैं देखता हूँ ये वाला शेयर अब सस्ता हो गया, तो मैं उतने पैसे को शेयर खरीद लेता हूँ, फिजूल खर्चे के लिए पैसे होते नहीं। तो इस तरह से 10-12% तो मेरी महीने की सेविंग्स बढ़ गई। अब 12% मैंने मार्केट से कमाया और 10-12% मेरी सेविंग बढ़ गई। तो एक्चुअल में जब आप 10 साल बाद देखोगे या 15 साल बाद देखोगे, तो एक्चुअल में आप 23-24% से ग्रो हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो, जो आपको समझ नहीं आता, जो आपको समझ में नहीं आता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट, कि जब जब भी आप स्टॉक मार्केट को समझते हो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी, आजकल एच्यूएल का शेयर सस्ता दिख रहा है, मेरे अकाउंट में 50,000 पड़े हैं, मैं उसे खरीद लूँ। आपने खरीद लिया, अब आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा कि चलो जी मैं अपने टीवी को अपग्रेड कर देता हूँ, ये आएगा ही नहीं आपके दिमाग में। मेरे दिमाग में तो नहीं आता, मेरे दिमाग में, मेरे घर में जो टीवी 10 साल पहले था वो आज ही है, जो एसी 10 साल पहले था वो आज भी है, मेरे सोफा जो 10 साल पहले था वो आज भी है, फ्रिज जो 10 साल पहले था वो आज भी है। जब कोई चीज खराब होती है तो हम उसे चेंज करते हैं, अपग्रेड करने वाली बात दिमाग में आती नहीं, क्योंकि अकाउंट में पैसे होते ही नहीं, होते नहीं ना। तो ये जो अपग्रेड करके और ये करके लोग पैसे वेस्ट करते हैं, वो नहीं होंगे एक टाइम पे। प्लीज, माई हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, बाई दो शेयर्स जो अच्छे हैं, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट, अ लॉट ऑफ कंफर्ट। आपके पास पैसे बन जाते हैं। अगर सुनील त्रिपाठी 40 साल के एज में रिटायर हो सकते हैं, तो आप भी हो सकते हो, वो बात अलग है। रिटायर होने के बाद मेरे पास काम ज्यादा आ गया, सच्चाई है, भगवान की दया से पैसे भी ज्यादा आ गए, जितना मैं एज ए सैलरी कमाता था उससे ज्यादा आते हैं, जबकि मैंने रिटायरमेंट ली थी कुछ मस्ती करने के लिए, लेकिन काम आ रहा है, क्या करें, किसको मना करें। आप लोग मैसेज करते हैं, आप लोग का रिस्पॉन्ड नहीं करता हूं, तो आप लोग परेशान होते हैं, कोशिश करता हूं। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट, पैसे पैसे बनाना प्रॉब्लम नहीं है, माइंडसेट को बनाइए कि हाँ जी आपको कितना, आप अपने आप को ना एक एवरेज बनने की कोशिश कीजिए। जब आप क्रिकेट खेलते हैं गली में, तो आप सचिन तेंदुलकर नहीं बनना चाहते हैं। जब आप फोन वगैरह में करते हैं, तो कोई आप एप्पल के मालिक और उसके बात नहीं करते ना। जब आप बिजनेस करते हैं, तो कोई आप अंबानी अडानी की बात, आप एवरेज बनते हैं। तो जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, है क्या, स्टॉक मार्केट में जिस दिन इंसान आता है, उस दिन पहले गूगल करता है व्हाट इज द CAGR ऑफ वॉरेन बफेट। अरे वॉरेन बफेट क्यों बनना है जी, नॉर्मल। जब आप टीचर हैं, आप एवरेज टीचर हैं, आप जॉब में काम कर रहे हैं, आप एवरेज इंजीनियर हैं, आप एवरेज डॉक्टर हैं, तो आप एवरेज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर क्यों नहीं हो सकते। आपको एवरेज बनना, आपको टॉप पे जाना क्यों है, क्यों आपको टॉप का स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना है। बनिएगा जब आप पहले एवरेज बन रहे, कहते ना पहले जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, फर्स्ट बेटा पहले 50% लाओ, 60 लाओ, 70 लाओ, 80 लाओ, फिर लाओ ना 99, 100 लाओ, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी बच्चों को ऐसे कराते हैं। दिक्कत कहाँ होती है, एक बच्चा आपकी क्लास में होता है, वो फेल हो रहा होता है, और फिर वो मैथ्स का वो सबसे टफ वाला क्वेश्चन कहीं IIT का उठा के जाता है, सर ये वाला करवाओ ना, इतना तेज गुस्सा आता है ना उस बच्चे के ऊपर, पूछो मत, बहुत तेज गुस्सा आता है। मैं अकाउंट्स पढ़ाता था, तो वहां पे शेयर वगैरह में प्रोराटा एडजस्टमेंट एंड ऑल होता था, तो जो वीक बच्चे होते थे, मैं उनको कहता था छोड़ दे बेटा, कोई बात नहीं, 4 नंबर का आएगा तो छोड़ दे इसको, मैं तेरे को इतना पढ़ाऊंगा कि तू आराम से 70-80% नंबर जाएगा, लेकिन वो प्रोराटा वाला क्वेश्चन लेके बैठ जाता था, ये मुझे कराओ, और उस चक्कर में नॉर्मल। तो हम बच्चों को, तो जैसे आप बच्चों को बताते हैं, सेम वे आपको क्यों फ्यूचर समझना है, क्यों ऑप्शन समझना है, क्यों स्मॉल कैप करना है, क्यों अनलिस्टेड शेयर को समझना है। जैसे आप केवल अकाउंट्स के टीचर हैं, केवल इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, केवल फिजिक्स के टीचर हैं, आप सब सब्जेक्ट के टीचर नहीं बन सकते।
आप नहीं बन सकते। उसी तरह एक डॉक्टर जो होता है वो केवल या तो वो मेडिसिन का स्पेशलिस्ट होता है, सर्जन होता है, ऑर्थो होता है, गायनी की डॉक्टर होती है। डॉक्टर सब कुछ का नहीं होता, लॉयर सब कुछ का नहीं होता, टीचर सब कुछ का नहीं होता। सेम वे स्टॉक मार्केट में कोई सब कुछ का नहीं हो सकता। आप अपनी स्पेशलाइजेशन पकड़ लीजिए। हाँ जी, मुझे अच्छे इक्विटी देख के, मैं मेरे क्लासेस लेता हूँ, लेकिन मैं जिंदगी में कभी करेंसी में, कमोडिटी में, फ्यूचर में, ऑप्शन में कभी ट्रेड नहीं करता। मैं क्लासेस लेता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, लेकिन नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप को एक नॉर्मल, कहते हैं नॉर्मल डॉक्टर, मैं मेडिसिन का डॉक्टर हूँ जी, मैं लोगों को दवाई लिख देता हूँ, काम खत्म। मुझे सर्जरी करना आता ही नहीं जी, नहीं आता मुझे। बोलिए क्या करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? आपको हर चीज का डॉक्टर बनेंगे तो दिक्कत हो जाए, तो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगी। पैसे अच्छे से बनते हैं, पेशेंस के साथ बनाएंगे, मेहनत करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने आपको अभी एक डेटा दिखाया, इस डेटा को मैं दोबारा आपको शो कर रहा हूं। कोई भी 20 साल का डेटा उठा के देखिए, आपको दिखाई देगा कि हाँ 12% का एवरेज बनता है। 12% का एवरेज ये बन गया, 5-6% आपकी सेविंग्स आपने बढ़ा ली ड्यू टू योर इन्वॉल्वमेंट इन टू स्टॉक मार्केट। हो गया आपका 15-18% का CAGR, बड़े आराम से मिल गया आपको, बड़े आराम से मिल गया। बार बार मैं कहता हूं, ये देखिए इस डेटा को देखिए, आप 15 साल का डेटा देखिए, आप निफ्टी 150 को देख लीजिए, निफ्टी 100 को देख लीजिए, निफ्टी 250 को देख लीजिए, निफ्टी 500 को देख लीजिए, 12-13% का बड़े आराम से मिलता है। एवरेज एवरेज पे रहिए प्लीज, उसमें स्पेशलाइज ढूंढने की कोशिश। अच्छा चलिए ये डेटा दिखाता हूँ, ये गोल्ड है। सबको लगता है कि अगर मेरे पापा जी ने गोल्ड खरीदा होता तो आज हम कितने अमीर होते, सबको ऐसा लगता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गोल्ड का CAGR और निफ्टी का CAGR सेम है। आज आप 70,000 का गोल्ड नहीं खरीद सकते, और जो लोग 2 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं, याद करिए, बताइए, मैं चाहता हूं कोई अनम्यूट करके बोले, क्या मैंने उसको हर सॉवरेन गोल्ड गोल्ड के इशू पे खरीदने को कहा कि नहीं कहा? यस सर, बताइए, यस सर, कोई बताए, मैं चाहता हूँ। बिल्कुल कहे यस, सर, जी भी कहा था लास्ट यस ईयर से, सर, कहा था 2023 से, जब से मैंने ज्वाइन सब किया जो था। लोग जुड़े हैं और बताइए, जो 21 से जुड़े हैं, जो 20 से जुड़े हैं, प्लीज मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल बोला सर, था आप आपने किया है ना, तो ये अगर कहा आप था। थोड़ा थोड़ा यस सा सर, गोल्ड में, थोड़ा सा आपका प्रॉपर्टी है तो उसमें, थोड़ा सा आप FD में, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी को समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें, आप ज्यादा खुश रहेंगे। अगर आपने नौकरी वोकरी छोड़ दी स्टॉक मार्केट, मैं नौकरी छोड़ के बैठा हूं, मैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं। कोई कहता है कि आप कौन है, मैं बिल्कुल कभी नहीं कहता है मैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, मैं तो सिंपली कहता जी मैं फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिखा सकता हूँ, काम खत्म। मैं स्टॉक मार्केट वर्ड तो यूज ही नहीं करता लोगों को, लेकिन जिन लोगों ने चार चार वीडियो अटेंड देख ली मेरी या चार क्लास अटेंड की, वो मतलब स्टॉक मार्केट के अपने आप को पता नहीं क्या मानने रखते हैं। प्लीज नहीं हो सकता, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये हर चीज की एक लर्निंग प्रोसेस है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल लगते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, आप इसको समझे। अब देखो मैं आपको ये चीज, आपको जो मैंने डेटा दिखाया था, इसमें ये समझ में आता है कि 12% के आसपास हमारा मार्केट बढ़ रहा है। अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो आप समझिए, 12% अगर एवरेज है तो कोई चीजें ऐसी हैं जो 10, 9, 8, 7 से ग्रो करती हैं, और कोई चीज ऐसी होंगी जो 13, 14, 15 से ग्रो करती है। ये होता है। नाउ अगर थोड़ा हमारी जब नॉलेज बढ़ने लगती है, थोड़ा हम समझने लगते हैं, तो हमें समझ में आता है कि एवरेज 12 है। आपके क्लास का एवरेज अगर 40 है तो कुछ बच्चों के मार्क्स 50-60 होंगे और कुछ बच्चों के मार्क्स 30 और 20 भी होंगे। आपको उस बच्चों को पकड़ना है जिसके 50-60 होंगे। वो आप अपने जब इंटरव्यू लेते हो बच्चों को, तब पता चल जाता है ये वाले अच्छे बच्चे हैं, इनको हमें इस सेक्शन में लेना है या इस स्कूल में लेना है या नहीं लेना, वो हमारा तरीका होता है। सेम हैपेंस इन द स्टॉक मार्केट। आपको पता है 12 मिलता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा आप देख लोगे कि ये वाले जो है 13, 14, 15। जैसे मुझसे कोई पूछे क्या कोई FMCG का स्टॉक जो है बड़े वाले, क्या वो 13, 14 दे सकते? कभी नहीं देंगे, वो उतना ही देंगे जितना हमारा हमारी इकोनॉमी चलेगी। क्या बैंकिंग दे सकती है? बैंकिंग भी नहीं देगी, वैसा नहीं देगी। हाँ कुछ टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स होते हैं, कुछ ऑटो के स्टॉक्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट, वो आप धीरे धीरे समझ जाते हो कि किस चीज का। अभी जैसे कुछ आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है अगले कुछ सालों में, तो वो डिपेंड करता है किस तरह का माहौल है, तो उसमें उस तरह के कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपको थोड़ा सा 1-2% एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो आप उस 12 को 13 कर देते हो अगर आपको नॉलेज है। नहीं है तो कोई बात नहीं, एवरेज पे रहो, क्या दिक्कत है, हम एवरेज पकड़ेंगे।
हम 12 ही लेंगे, हम निफ्टी ही खरीदेंगे, हमको नहीं पता जी 13 कौन देगा 14 कौन देगा, हम तो 12 से खुश हैं। एक चीज, इस तरह से अपने रिटर्न को आप 1 या 2% बढ़ा सकते हैं अगर आप उस थीम को पकड़ पाए, उस ग्रोथ पैटर्न को पकड़ पाए कि अगर जैसे पिछले 15-20 सालों में बैंकिंग ने इंडिया में बहुत ग्रो किया। मुझसे कोई पूछे तो मैं मतलब बिना सर कि अगले 15-20 सालों में इंश्योरेंस बहुत ग्रो करेगा, एएमसी बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, टेक्नोलॉजी हमेशा ग्रो करता है, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रो करेगा, पावर ग्रो करेगा, ये अगले 15-20 सालों का ये थीम होगा। एजुकेशन ग्रो करेगा, बहुत तेजी से ग्रो करेगा अगले 15-20 सालों में। अब एजुकेशन रिलेटेड क्या कंपनियां हैं, कहाँ पे किसको मिलता है, क्या है, वो आपको सोचना है। आई एम नॉट हेयर टू गिव एनी रिकमेंडेशन, ठीक है? तो उससे आप उस 12 को 13-14 कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उस तरह की कंपनियां कुछ लेके अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ। दूसरा, मैं हमेशा बताता हूं कि मार्केट को अगर आपको समझना है तो आपको दो टर्म को समझना होगा, एक होता है प्राइस और एक होता है वैल्यू। प्राइस और वैल्यू, किसी चीज का प्राइस क्या है ये सबको पता है। आप गूगल पे डालिए, आप स्क्रीनर पे जाइए, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, आप मनी कंट्रोल पे जाइए, आप एनएससी पे जाइए, आपको पता है एसबीआई का प्राइस क्या है, एचडीएफसी का प्राइस क्या है, सबका प्राइस। लेकिन उसकी वैल्यू क्या है ये आपको सीखना है, यही आपको सीखना है। आपको पता होना चाहिए कि एचडीएफसी का शेयर खरीदने के क्या वैल्यू है, क्या मैं दे सकता हूं, ये किस वैल्यू पे ट्रेड होना चाहिए, किस पे ट्रेड हो रहा है वो प्राइस है, किस पे होना चाहिए वो उसकी वैल्यू है। उसी में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है आपको। जितना वैल्यूएशन सीखेंगे, पीबी को सीखेंगे, पीई को सीखेंगे, रिलेटिव वैल्यूएशन को सीखेंगे, डीएमए को समझेंगे, स्टॉकिस्टिक को समझेंगे, आरएसआई को समझेंगे, उतना आप वैल्यूएशन के करीब जाते जाएंगे। जितना आप मार्केट मार्केट कैप टू सेल्स के कंसेप्ट को समझेंगे, जितना आप लोन बुक टू मार्केट कैप के कंसेप्ट को समझेंगे, अगर आप बैंकिंग वगैरह स्टॉक्स को इवेल्युएट कर रहे हैं, डिपेंड करता है, जिसने मेरी फंडामेंटल की क्लासेस की है उनको पता होगा कि किसी कंपनी का, किसी बैंक का लोन बुक कितना है और उसकी मार्केट कैप कितना है, इसके बीच में रिलेशन देखिए, 5 बैंकों का देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ जी कौन सा बैंक सस्ता मिल रहा है आपको, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो जितना इन कंसेप्ट्स को समझेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि हाँ जी ये जो स्टॉक है ये रिलेटिवली होना तो चाहिए 1200 पे, लेकिन मिल रहा है 1300 पे, 1300 पे मिल रहा है यानी नहीं खरीदूंगा, लेकिन होना चाहिए 1200 पे, मिल रहा है 1000, बस उस समय पे उसको खरीद लेना। और तो क्या हुआ, 1-2% अल्फा आपको जनरेट करना है थीम को पकड़ के, और 1-2% अल्फा जनरेट करना है जब मार्केट किसी चीज का कहते हैं ना कि गलत प्राइसिंग कर देता है। कोरोना आ गया, गलत प्राइसिंग कर दिया, कुछ मोदी जी की सरकार बन जाएगी, कुछ स्टॉक के गलत प्राइसिंग हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी, कुछ स्टॉक की गलत प्राइसिंग हो जाएगी, तो पता चलेगा हाँ जी यूक्रेन का युद्ध हो गया, कुछ स्टॉक की गलत प्राइसिंग हो जाएगी, कुछ पता चला कोई न्यूज आ गई, कोई आरबीआई ने कोई न्यूज निकाल दिया, कोई गलत प्राइसिंग हो जाएगी, ऐसा होगा। उस गलत प्राइसिंग का जब टाइम आता है उस समय आपको उस स्टॉक को पिक कर लेना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आज के 1.5 साल पहले, मैं बार बार बताता हूँ एग्जाम्पल बताता हूं इसलिए कि आपको दिमाग में रजिस्टर हो जाए, लेकिन फिर भी रजिस्टर नहीं होता, लोगों को खरीदना वही है जो आज भाग रहा है। केवल 1.5 साल पहले सारे टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक थे, टेक द एग्जाम्पल ऑफ टीसीएस, सबको नहीं खरीदना था क्योंकि यूरोप में रिसेशन आने वाला था। अब 4,000 आ गया है तो सबको खरीदना है। कुछ ही साल पहले, 1 ही 1.5 साल पहले किसी को ऑटो नहीं खरीदना था क्योंकि सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम थी। अब सारे बजाज ऑटो और हीरो मोटो कॉर्प सब भाग गए तो सबको खरीदना है। कुछ ही साल पहले, और मैं ये सारे एग्जाम्पल आपको रिसेंट देता हूं ताकि आपको रिलेट कर पाए, रिलेट कर पाए। किसी को फार्मा नहीं खरीदना था केवल 6 महीने 8 साल 8 महीने पहले, लेकिन अब सबको फार्मा खरीदना है, सबको फार्मा खरीदना है। कुछ ही दिन पहले तक किसी को भी, आपको ये वाले जो स्टॉक होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो कि आपका कैपिटल गुड्स के जो स्टॉक थे, एलएनटी एंड ऑल, कुछ ही दिन पहले तक नहीं खरीदना था किसी को, अब सबको खरीदना है। लेकिन आज क्या नहीं खरीदना, आपको हौजरी नहीं खरीदना, आपको एफएमसीजी नहीं खरीदना, आपको बैंकिंग नहीं खरीदना। क्यों नहीं खरीदना जी, क्योंकि ये नहीं चल रहे। और फिर आज के 6 महीने बाद 1 साल बाद दो, मुझे नहीं पता कब चलेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे नहीं पता एचडीएफसी बैंक कब चलेगा, मुझे नहीं पता कोटक महिंद्रा बैंक कब चलेगा, मुझे नहीं पता कि एचयूएल कब चलेगा, मुझे नहीं पता कि नेस्ले कब चलेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि नेस्ले एक अच्छा स्टॉक है, एचयूएल एक अच्छा स्टॉक है, एचडीएफसी एक अच्छा स्टॉक है, एचडीसी एक अच्छा स्टॉक था, ये अच्छे स्टॉक हैं। अब ये किस वैल्यूएशन पे होने चाहिए और किस वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं,
जब भी वो नीचे मिल रहे हैं मुझे लेके उसको बैठना है, मुझे 6 महीने बैठना पड़ेगा कि 1 साल बैठना पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है? आप एक चीज विजुलाइज करो कि जिस पैसे को आप लगा रहे हो, क्या वो पैसा आपको अगले 6 महीने में 1 साल में चाहिए? चाहिए तो आप गलत जगह पैसा लगा रहे हो। और अगर वो पैसा आपको 10 साल बाद चाहिए तो क्या फर्क पड़ता है अगर एचडीएफसी बैंक 2 साल से नहीं चल रहा? मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये मैं क्यों नहीं समझा पाता कि एचडीएफसी बैंक 2 साल से नहीं चल रहा तो मेरे लिए कितना फायदा हुआ। मैं आप विश्वास करके, मेरे पास एचडीएफसी बैंक 2021 में जितना था और 2024 में उसका लगभग 60% ज्यादा हुआ, क्योंकि 3 साल में जब मेरे पोर्टफोलियो बढ़ा तो मुझे उसमें एलोकेशन बढ़ाना पड़ा, प्लस वो इतना सस्ता हो गया कि मैंने और भी खरीद लिया। अगर एचडीएफसी बैंक पिछले 2 साल में चल गया होता तो मैं तो महंगा खरीदता ना, मैं उसी 1300 1400 1500 के रेंज में खरीद रहा हूं। जब मुझे ये पैसा चाहिए आज के 10 साल बाद, जब मेरी बेटी की शादी होगी, मेरे बेटे की शादी होगी, मेरी बेटी को पढ़ाना होगा, तब मुझे चाहिए। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो चाहता हूँ कि एचडीएफसी बैंक अगले 5 साल ना चले। पता नहीं क्यों आप लोग चलाना चाहते हैं एचडीएफसी बैंक को। मैं चाहता हूँ कि कोटक महिंद्रा बैंक अगले 5 साल ना चले। मैं चाहता हूँ एचयूएल और नीचे आए और ना चले। मैं चाहता हूँ टाइटन ना चले। मैं चाहता हूँ एशियन पेंट ना चले। आप लोग चलाना चाहते हैं, सर ये स्टॉक चल नहीं रहा। मुझे रोज मैसेज आता है, सर ये स्टॉक चल नहीं रहा। नहीं, क्यों चलाना है उसको? आप बताइए आपको चलाना ही क्यों है? इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द मार्केट, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो स्टॉक को रोक के खरीदते हैं, हम नहीं रोक सकते, लेकिन जिन्हें आप ऑपरेटर्स कहते हैं, सो कॉल्ड ऑपरेटर्स, वो अपने पास इन स्टॉक्स को, कुछ समय पहले डिफेंस स्टॉक को रोक के खरीदा गया, कुछ स्टॉक पहले पब्लिक सेक्टर बैंक को रोक के खरीदा गया, कुछ और पहले आपका जो पावर स्टॉक को रोक के खरीदा गया। तब नहीं चल रहे थे, तब आप लोग को नहीं खरीदना था। जब वो चल रहे हैं, भाग गए, 4 गुना 5 गुना 6 गुना 10 गुना हो गए, तो आपको खरीदना है। फिर इनके साथ भी ऐसा ही होगा, और पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रही, सर्कल ही नहीं समझ में आता कि हाँ क्या हो रहा है। प्लीज माइंड गेम, इट इज ऑल अबाउट माइंड गेम ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। आपको एग्जांपल दो, वैभव ग्लोबल एक स्टॉक है, विजय केडिया जी ने 300 में खरीदा, 1000 रुपए चला गया, फिर दोबारा 300 आ गया, और विजय केडिया जी का स्टेटमेंट पढ़ना, कहना आई एम वेरी हैप्पी, आई एम बाइंग मोर। मतलब 1000 से अगर उनका स्टॉक 300 आया तो आप जैसे आदमी हो तो हार्ट अटैक हो जाएगा, यार मेरी वेल्थ 1/3 हो गई। लेकिन वो क्या कहते हैं, यार मैंने 300 पे कम खरीद पाया था, अब ये दोबारा आ गया, मैं तो और खरीद रहा हूं। तो ये बड़े लोगों का थॉट प्रोसेस, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक। उन्होंने ऐसे ही सेरा सेरा सेरेमिक करके एक स्टॉक हुआ करता था, कहीं 40-50 रुपए में खरीदा था, 1000 रुपए चला गया, फिर 200 रुपए आया, फिर खरीदा, फिर 8 8000 में जाके उन्होंने बेचा उसको, 8000 में जाके बेचा 40 रुपए का स्टॉक। लेकिन क्या 1000 रुपए से जब वो 200 आया तो उनको दुख हुआ? लेकिन क्योंकि उनको कन्विक्शन था उसमें। प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट, 2 स्टॉक खरीदो, 4 स्टॉक खरीदो, मत खरीदो, लेकिन खरीदो वही स्टॉक जिसमें कन्विक्शन है। कैसी बातें हैं, मतलब दुख होता है जब मेरे पास मैसेज आता है, सर ये एशियन पेंट ग्रासिम के आने से बंद तो नहीं हो जाएगा? लॉजिक है क्या? ये बात तो एशियन पेंट के मालिक को भी नहीं पता, सच्चाई बताऊं तो। मैं सुनील त्रिपाठी की, मतलब हाउ सुनील त्रिपाठी कैसे बता देगा कि एशियन पेंट ग्रासिम आ गया, 10,000 करोड़ लगा देगा तो क्या इससे एशियन पेंट बंद हो जाएगा? सच्चाई बता रहा हूं, मैं कहूँ ना ना आई नो एवरीथिंग, आई एम स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, आई नहीं पता जी मुझे। मैं तो ये जानता हूँ एशियन पेंट एक अच्छा स्टॉक है, पिछले 20 साल से अच्छा कर रहा है, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में है, काम खत्म, एंड नो रिकमेंडेशन टू। कल को हो सकता है बंद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। जब आप मार्केट के कंसेप्ट को समझेंगे, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये उसी तरह है जैसे गोल्ड है। गोल्ड में आप लगाते गए, आपकी दादी ने कुछ गोल्ड खरीदा, आपकी मम्मी ने कुछ गोल्ड खरीदा, आपके घर में बहू आई, उसके लिए आपने कुछ गोल्ड खरीदा, आज आपके पास जो गोल्ड है वो आपकी एक एसेट हो चुकी है। जब आप उसको बेचने जाएंगे तो हो सकता है कि जब आपने झुमके को तोड़ा तो पता चलेगा ये इसमें तो ये 18 तोला का है, ये 16 तोला का है, नकली है, बाद में पता चलेगा, जब आप उसको बेचने जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन आपके पास इतना पैसा है कि हाँ जी टाइम में काम। सेम हैपेंस विद द स्टॉक मार्केट, आप अच्छे वाले स्टॉक थोड़ा 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 खरीदते
खरीदते रहें, खरीदते समय दो चार ध्यान रखना है। पहली चीज, अच्छे वाले स्टॉक को खरीदना है, यानी अच्छे स्टॉक का पहचान करना आपको आना चाहिए। दूसरी चीज कि जब स्टॉक भाग रहा हो, अगर आज के टाइम पे कोई स्टॉक भाग रहा है, पता चला टाइटन भाग रहा है या एलएनटी भाग रहा है, मैं अच्छा स्टॉक है एलएनटी, लेकिन अभी नहीं खरीदेंगे, आएगा टाइम। पहले टाइम आया था, रिलायंस में नहीं खरीदूंगा, लेकिन क्या रिलायंस 2300 के रेट पे खरीदा गया था या नहीं खरीदा गया था? कोई लोग हैं तो बताएं, बताएं जल्दी से, कोई लोग हैं तो, मैं चाहता हूं इनपुट लेना आप लोगों का। यस सर, खरीदा था। यस सही, सर, खरीदा था सर। खरीदा गया था, यस लेकिन सर, खरीदा था खरीदा सर। था, लेकिन आज मैं 3000 पे रिलायंस नहीं खरीद, इसका मतलब ये नहीं कि रिलायंस महंगा है सस्ता है, क्या मेरी वैल्यूएशन के हिसाब से मैं नहीं खरीदूंगा, काम खत्म। तो प्लीज दिस इज ऑल अबाउट कि मार्केट आपको देने को तैयार है 12%, समझिए, क्या आप वो 12% लेना चाहते हैं या आपको उसके ऊपर के थॉट प्रोसेस में लग के आप 12% भी नहीं, एक्चुअली व्हाट यू आर टेकिंग, कंपेयर योर सीएजीआर विद मार्केट सीएजीआर। अगर आप मार्केट से ज्यादा बना पा रहे हैं पिछले 2-3 सालों में तो यू आर एक्सीलेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई एम नॉट हेयर टू, मतलब मेरे मैं आप बहुत अच्छे बन चुके हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो प्लीज अब भी जाग जाइए, चुपचाप खरीदते रहिए, खरीदते रहिए, खरीदते रहिए, पैसे बन जाओ, पैसे बन जाते हैं, बन जाते हैं। आज सबको सोना खरीदना है, मेरी वाइफ भी कहती है थोड़ा और खरीद लिया होता सोना तो अच्छा होता, 70,000 हो गया। अभी केवल 1-1.5 साल पहले तक सबको इक्विटी खरीदना था, सोना खरीदना ही नहीं था, सोना तो चल ही नहीं रहा था, केवल 1.5 साल पहले की बात है ये आपको बता रहा हूँ कि नहीं जी सोना तो नहीं, उससे अच्छा तो इक्विटी ही था। ऐसा होता है, जो चलेगा वही अच्छा लगेगा, वही अच्छा इंसान को लगेगा, खराब चीजें नहीं लगेंगी। आज मैं थोड़ा सा आपको फिर स्क्रीनिंग सिखाऊंगा, मुझे पता है मैं कई बार सिखा चुका हूं, लेकिन मैं बार बार स्क्रीनिंग करना, जितना ज्यादा आप स्क्रीनिंग करेंगे उतना आप खुश रहेंगे। स्क्रीनिंग में जब आपके पास टाइम हो आप स्क्रीनर खोलें और उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स लगाएं, जैसे मैं, मेरे पास बच्चे आते हैं 11वीं के 12वीं के ग्रेजुएशन के, उनको बैठा के मैं केवल स्क्रीनिंग ही करवाता हूँ उनसे, करो स्क्रीनिंग, दिखा लो कौन सा स्टॉक क्या कह रहा है, रिलेटिवली क्या है, प्राइस क्या है। तो प्लीज जो लोग कुछ नए होंगे उनके लिए काम का होगा, जो लोग पुराने हैं अगर उनका टाइम वेस्ट हो रहा हो तो लीव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा से स्क्रीनिंग सिखा रहा हूँ, स्क्रीनिंग को जितना समझेंगे उतना अच्छा है। और स्क्रीनिंग वही कर सकता है जिसको स्क्रीनिंग के कंसेप्ट को पता है। जब हम स्क्रीनर पे जाते हैं यहाँ पर एक स्क्रीन का टैब आता है, स्क्रीन का, इस स्क्रीन पे जाइए और क्रिएट न्यू स्क्रीन, यहाँ पर जाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन लगाइए, जैसे कोई स्टॉक करेंट प्राइस इज लेस देन DMA 200 या 50 एंड एंड DMA 50 इज लेस देन DMA 200। सपोज ये मैंने स्क्रीन लगाया, अब मैं देखूंगा ऐसे कौन से स्टॉक है जो इस समय मेरे को 717 स्टॉक अभी दिख रहे हैं जो अपने डीएमए से नीचे है, 50 DMA से 200 DMA से नीचे है, मैं इनमें रिसर्च करना शुरू करूंगा। एक ये स्क्रीन, मैं ये नहीं कह रहा खरीद लूंगा, ये एक मैंने स्क्रीन किया, मैंने इनको मार्केट कैप के बेसिस पे शॉर्ट किया तो मुझे पता चला हिंदुस्तान यूनिलीवर 200 DMA से भी नीचे है, 50 DMA से भी नीचे है, एशियन पेंट, एलएनटी माइंडट्री, डाबर, मेरिको, पेज इंडस्ट्री, मतलब देखिए, मतलब ये ऐसे अच्छे वालों के मैं नाम बता रहा हूँ, प्लीज नो रिकमेंडेशन। रिलैक्सो फुटवेयर, एंको सीमेंट, इमामी, डॉक्टर लाल पैथ, ठीक है, इनको बाटा इंडिया, टाटा टेली, ठीक है, ये इंडिया के, एफएल इंडिया, देखो इनको जाके, इनको समझने की कोशिश करो कि हाँ इसमें क्या है। चलो और देखते हैं, दोबारा एक स्क्रीन लगाते हैं, चलो जी फिर क्या स्क्रीन लगा सकते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपको पढ़ा है, क्या पढ़ा है जी, कि हम पीई और आरओई में कंपेरिजन करते हैं, प्राइस टू अर्निंग इज लेस देन रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी स्टॉक सस्ता मिल रहा है, ये एक स्क्रीन लगाता हूँ, चलो जी और क्या जिसको एंड, और इसके साथ एक और स्क्रीन लगा देता हूँ, क्या स्क्रीन लगा देता हूँ जी, चलो जी आरओई या आरओसी इज ग्रेटर देन 50, चलो जी मैं ये स्क्रीन लगा के स्टॉक ढूंढता हूँ। तो अगर आप स्टॉक ढूंढेंगे, अब पता चला 518 स्टॉक मिल गए मुझे ऐसे वाले,
और कम करने हैं जी, मुझे छोटे वाले तो देने ही नहीं थे जी, आपने सर और लगा दिया इसमें, एक और स्क्रीन लगा दिया। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 5000। चलो जी, मुझे तो केवल वही वाले चाहिए जो बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां में मुझे जाना ही नहीं। ठीक है जी, मैंने स्क्रीन लगाया। अब मेरे पास 72 कंपनियां आ गई। अब इन कंपनियों को मैंने जब करना शुरू किया स्क्रीन करना, तो मैंने टीसीएस भी सही प्राइस पे इसके हिसाब से मिल रहा, मुझे नहीं पता खरीदना कि नहीं खरीदना। मैं आई एम गिविंग यू कि कैसे आपको अपने रिसर्च पे टाइम देना है, रिसर्च करना है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इंफोसिस है, आईटीसी है, कोल इंडिया है, नेस्ले है, अदानी है, हिंदुस्तान जिंक है, ब्रिटेनिया है। अब इन कंपनियों में आप एक एक करके जिसको, सपोज मैंने ब्रिटेनिया को क्लिक किया, इसको ओपन किया, रिसर्च करना, हाँ जी इसका आरओई 66 है, मार्केट पी 53 है, चलो जी प्रेस परसेंटेज 0 है हमारे पास, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, आरओसी आरओई मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, चलो जी मैं इसके पीई को कंपेरिजन करता हूँ पिछले 10 सालों का क्या सिचुएशन है। ओहो, एवरेज पीई जो 10 सालों का है उसके एकदम बराबर आ गया, यानी 50-54 का होता है उसी के आसपास ये आ चुका है, यानी एवरेज पी के आसपास हो गया है। चलो जी, क्या मैं इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देखता हूँ। पीयर्स क्या कहते हैं, नेस्ले 81 पे है, ब्रिटेनिया 53 पे है, और थोड़े एफएमसीजी के और शेयर से कंपेयर कर लेता हूँ, तो मुझे दिखता है कि हाँ जी 50 के आसपास ही है सारे जो अच्छे वाले एफएमसीजी हैं, और ये भी 50 में है, तो मतलब बहुत महंगा नहीं है। हाँ, महंगा कौन सा है, वरुण बेवरेज महंगा है, महंगा कौन सा है, नेस्ले महंगा है। तो इस तरह से जब आप रिसर्च करके, चलो जी थोड़ा सा हम इसके क्या करें, इसके थोड़ा सा मैं इसके वो देख लेता हूँ कि हाँ जी इसका पिछले सालों का प्रॉफिट क्या है, क्या इसकी सेल्स बढ़ रही है, 5000 से 6000, 7000, 8000, 11000, 15000, हाँ जी लगातार इसकी सेल्स बढ़ रही है, क्या इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, हाँ जी 200, 300, 400, 600, 1300, 2400, हाँ जी लगातार बढ़ रहा है। इस टीटीएम में अभी थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन 23 तक, 2023 तक का जो भी रिजल्ट आया एकदम बहुत अच्छा बढ़ा हुआ दिख रहा है। चलो जी आगे देखते हैं, क्या कंपनी के ऊपर बहुत लोन वगैरह तो नहीं है। हाँ, एज कंपेयर टू पास्ट, कंपनी के ऊपर लोन थोड़ा ज्यादा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी ने पैसे लिए हैं इसको कहाँ यूज किया है, क्या किया, क्या इन्होंने कोई फिक्स एसेट्स वगैरह बढ़ाए हैं। तो हाँ जी मुझे दिख रहा है कि हाँ जी जो लोन लिया है उसी उसी रेशियो में कंपनी ने फिक्स एसेट बढ़ाए हैं, यानी नए प्लांट सेटअप किए होंगे, जब नए प्लांट सेटअप किया होगा तो इनकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई होगी, और यानी आने वाले सालों में इनके सेल्स अचानक से बढ़ेगी। ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। ये उसी तरह है कि आपके घर के ऊपर लोन तो आया आपके ऊपर, तो साथ में आपने एक नया मकान बना लिया, उसको रेंट पे दे दिया, तो आपके घर की इनकम बढ़ गई, लेकिन आपने लोन लिया और उस पैसे से यूरोप घूमने चले गए तो दिक्कत है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि हाँ सर ने बताया था यार लोन अच्छी बात नहीं होती, लेकिन लोन को आपने अगर अच्छे से यूज कर लिया है, ये चीजें समझ में आती हैं। अगर नहीं आती तो कोशिश करो कि लोन जहां लोन हो ही ना वही देखो, नहीं समझ आता क्योंकि भाई कहां लोन की क्या कैसे यूज किया नहीं पता चल रहा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। तो प्लीज थोड़ा सा अगर आप रिसर्च कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आप जो मार्केट आपको दे रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा ले पाएंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल आर फ्रॉम सर्विस बैकग्राउंड, अर्निंग बहुत मेहनत से आपकी आती है, प्लीज पैसे को वेस्ट ना करें। मैं रोज पेपर में पढ़ता हूँ, किसी अभी कल परसों मैंने भेजा भी था, सीए की बेटी के इतने चले गए, उसके उतने चले गए, प्लीज इतना दुख होता है, इतना एजुकेशन सेबी एजुकेशन पे लगी हुई है, आरबीआई एजुकेशन पे लगा हुआ है, हर संस्था लगी हुई है कॉमन मैन को एजुकेट करने पे, लेकिन लालच जो है हमारी हमें कहीं ना कहीं नुकसान देती है और हम अपना पैसा नुकसान करते हैं। प्लीज आप मैक्सिमम ऑफ यू आर टीचर्स, आप लोग बच्चों से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, आपका काम है उनको एजुकेट करना, अगर आप ही ये गलतियां करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हम इस जर्नी को, जिस जर्नी को लेकर हम आगे बढ़े हैं उसको हम नहीं आगे बढ़ा पाए। आई होप, मैं चाहूंगा सब लोग अपना अपना फोन खोलें व्हाट्सएप पे, क्योंकि बाद में मजा नहीं आता, इसके बाद हम व्हाट्सएप पे आज के सेशन का, जिस भी ग्रुप में है शेयर मार्केट के, 1 2 3 4 5 6 7 8, या टेलीग्राम पे आज के सेशन का फीडबैक अभी लिखेंगे तुरंत जल्दी से, मैं गिनना चाह रहा हूँ 69 लोग हैं, कितने फीडबैक आते हैं, एंड देन आई विल गिव यू 2 शेयर्स टुडे, आज मैं 2 शेयर आप लोग को देने वाला हूँ, आई डोंट नो, अब देखते हैं, अगर ये 2 शेयर के नाम ना लेता तब तक ये 69 से 61 हो गए होते, आधे लोग लीव कर चुके होते, मुझे पता है क्या करें, कितना भी समझा दो नहीं मानेंगे
मेरा काम है एजुकेट करना, मैं एजुकेट करूंगा आपको। मैं टिप्स देने पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं दो शेयर आपको अच्छे शेयर बताऊंगा जो अच्छे रेट पे इस समय चल रहे हैं। प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, नो रिकमेंडेशन एट ऑल, मैं एक एजुकेटर हूं, मेरा काम केवल और केवल पढ़ाना है। मैं दो शेयर जो आपको बताऊंगा इसलिए बताऊंगा कि आप उसको रिसर्च करें, और अगर आपके रिसर्च में फिट आता है तो उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। अच्छे रेट पे अच्छे शेयर अवेलेबल हैं, आज भी अवेलेबल हैं। 2 4 5 साल के बाद आपको समझ में आएगी कि हाँ क्या, हाँ आपने गलती नहीं की और आप सही जगह पहुंच गए। ठीक है, 68 अभी नहीं आया मेरे पास, शायद 18 19 20 कुछ आए होंगे। आई एम वेटिंग, मुझे कुछ नए लोग दिख रहे हैं। समबडी हैज रिटन, दिस इज माई थर्ड सेशन, आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक आंचल तलवार, वेरी गुड। कोई ऐसा है जिसने आज का सेशन फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया? एनी वन हु हैव ज्वाइन द सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? यस सर, किसने किया है? सागर। मी सागर जी, आप थोड़ा सा फीडबैक देंगे आज के सेशन का कि आपको कैसा लगा? मैं चाहता हूँ कि आपने कैसे ज्वाइन किया, आप कहाँ से हैं, किसने आपको लिंक दिया, और आपको आज का सेशन कैसा लगा? सर, माय सर हैज गिवन मी लिंक। ओके, यू आर स्टूडेंट, यस सर, विच स्कूल और कॉलेज? सर आई एम पब्लिक स्कूल हिसार। आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार। यस सर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो यू हैव गिवन योर क्लास 12th बोर्ड? नो सर, करेंटली 12th। अच्छा, करेंटली 12th। बेटा, हम बच्चों के लिए ना अलग एक प्लेटफॉर्म होता है, शायद सर ने आपको गलती से दे दिया होगा, कोई बात नहीं, आपने अटेंड किया और मुझे अच्छा लगा। तो ये सेशन हमारा टीचर्स के लिए होता है, ठीक है? तो आप, आपको कैसा लगा आज का सेशन? सर अच्छा था। आपने कुछ सीखा? यस सर, वेरी गुड। तो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे? यस सर, कॉल ऑफ पुट, कोर्स। कॉल पुट तो नहीं करेंगे, फ्यूचर नो सर, ऑप्शन में नहीं जाएंगे ना? नो सर, गुड, वेरी गुड। एनी वन एल्स हु हैव ज्वाइन टूडे, जिसने आज पहली बार ज्वाइन किया है? सर एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, सर हाउ कैन आई ज्वाइन स्टूडेंट्स लेक्चर? मैं आपको ऐड कर, मुझे आप व्हाट्सएप पे हाय भेज देना, अपना डिटेल भेज देना, मैं आपको स्टूडेंट्स वाला डेटा में ऐड कर दूँ, ठीक सर योर नंबर? है? मेरा नंबर सर आपको दे देंगे जिन्होंने आपको वो किया है, दे देंगे। अदरवाइज यू कैन राइट 9999946946। सर कैन यू रिपीट? आई एम रिपीटिंग 9999946946। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर, एनी वन एल्स हु हैव ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे? कोई टीचर? या यस, संदीप कुमार जी, आपको मैं देख रहा हूँ, बताइए आप कहाँ से हैं, क्या या गुड करते इवनिंग हैं, और आपको लिंक किसने दिया, कैसे जुड़े आप, और आपको कैसा लगा? या गुड इवनिंग स्मिथ जी, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आईटी में जॉब करता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके, और मेरे को लिंक, मैं आप ही के थ्रू जुड़ा था क्योंकि यूट्यूब से एज ए मैं सर्च कर रहा था जैसे काफ़ी नॉलेज के लिए, जो बड़े ट्रेंडिंग टाइप होती हैं, क्योंकि ओके, छोटी छोटी वीडियोस में सजेशन तो बहुत मिलते हैं पर लर्निंग नहीं मिल रही थी। तो मैं जब भी ऐसी वीडियो सर्च करता था जहाँ पे ट्रेनिंग हो प्रॉपरली, स्टॉक मार्केट के बारे में समझा जाए, पूरे पूरे के पूरे एक ना पूरा एक पैकेज मिले समझने के लिए, तो मेरे को ओके, आपके चैनल्स मिला। और आपके चैनल में बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी जो मेरे को ना काफ़ी नॉलेजेबल लगी, जहाँ से ना मेरा जो कॉन्सेप्ट था स्टॉक मार्केट के लिए वो ना बिल्कुल ओपनली होता चला गया कि कैसे काम करना है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं, किन ट्रेडों किन स्टॉक्स में ट्रेड करना है, किन में नहीं करना है। तो वहां से मेरे को ना एक जो मेरे को चाहिए था वैसा ही मेरे को एक पूरी नॉलेज मिली। और वेरी गुड, यू आर एंजॉइंग दिस जर्नी? हाँ, या और आपकी जितनी भी पुरानी YouTube पे वीडियोस हैं जो 1 घंटे की है, कोई 45 मिनट्स की है, जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं उनमें से कोई ना कोई देखता रहता हूँ, और हर वीडियो के अंदर मेरे को कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअल में क्या है, हमारे इंडिया में समस्या क्या है, लोगों को 2 मिनट में 1.5 मिनट में सेंसेशन चाहिए, सेंसेशन। वो जो यूट्यूबर जगाते हैं ना, तो वो व्यूज ले हाँ जाने के लिए, वो प्रॉब्लम है ना। अब वो जो देखो हमारा पर्पस क्या है, लर्निंग है या व्यू? हमारा पर्पस, मैं कोई यूट्यूबर तो हुई नहीं, मैं तो यही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको डाल दूंगा, काम खत्म। तो जिसको लर्निंग करना है उसके लिए तो ये अच्छा होगा, लेकिन जिसको कहते ना तो कोई टिप्स चाहिए, कुछ वो चाहिए, तो उसके लिए यूजफुल नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों को दो स्टॉक, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, तो मैं आप लोगों को दो स्टॉक बता रहा हूँ। प्लीज माई नो रिकमेंडेशन, आप लोग इन दोनों स्टॉक को जरूर वैल्यूएशन थ्योरी पे, वैल्यूएशन थ्योरी मतलब इसके पीबी को
लिख लीजिए आप लोग सबके पास पेन, इसके पीबी को इनके पीयर्स के पीबी से कंपेयर करेंगे, इसके पी को इनके पीयर्स से के पी से कंपेयर करेंगे। सपोज एक्स स्टॉक का मैं नाम लेने जा रहा हूं, तो इसका पी कितना है, तो वाई का, जेड का, ए का, बी का, जो उसी काम में लगे हुए हैं उनका पी कितना है, ये करेंगे। तीसरी चीज, मार्केट कैप टू सेल्स को कंपेयर करेंगे, यानी अगर मैं 10 लाख रुपए का माल बेचता हूं और मेरी कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख है, तो दूसरी कंपनी जो 8 लाख रुपए का ही केवल माल बेचती है, तो उसका मार्केट कैप कितना होना चाहिए। तो मार्केट कैप टू सेल्स को जरूर कंपेयर करेंगे, क्योंकि कई बार हम अर्निंग के साथ प्राइस को कंपेयर करते हैं और कई बार हम उसके सेल्स के साथ प्राइस को कंपेयर करते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियां अभी प्रॉफिट जनरेटिंग मूड में नहीं होती, वो चाहती है कि पहले हम कस्टमर एक्वायर करें। हम मार्केट कैप टू सेल्स क्यों करते हैं, इसको मैं आपको आज लॉजिकली समझा रहा हूँ। कुछ कंपनियां कुछ टाइम तक कहती है, नहीं जी हम थोड़ा कम प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन हमें अपना मार्केट जो मार्केट शेयर है वो बढ़ाना है। मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए वो थोड़े डिस्काउंट देती हैं, थोड़े एडवर्टीजमेंट ज्यादा करती हैं, थोड़े अपने पब्लिक रीच प्रोग्राम पे खर्च करती हैं। तो इस उस सिचुएशन में आप जब पी को कंपेयर करते हैं, यानी प्राइस और अर्निंग को कंपेयर करते हैं, तो सही कंक्लूजन नहीं निकलता। तो क्या कंपेयर करना है आपको, मार्केट कैप टू सेल्स, कि एक्चुअल में इतना करने के बाद क्या वो नया मार्केट शेयर ले पा रहे हैं, क्या उनकी सेल्स बढ़ रही है। तो अगर वो सेल्स बढ़ रही है उस टाइम में उस मार्केट कैप के हिसाब से, तो आपको उस कंपनी को देखना है। तो क्या क्या कंपेयर करेंगे, मार्केट कैप टू सेल्स मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, दिखाऊंगा इन दोनों कंपनियों का, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग करें, कंक्लूजन निकालें, फिर मैं बताऊंगा आपको। मार्केट कैप टू सेल्स, पी और पीबी, इन दोनों कंपनियों का इनके पीयर्स के साथ करेंगे। दूसरा, इन्हीं कंपनियों का पी पीबी को पास से भी करेंगे, कि अगर कंपनी एक्स है आज वो 10 के पी पे है, तो पिछले 10 सालों में 15 सालों में किस पी पे ट्रेड करती है। अगर कंपनी वाई है वो 2 के पीबी पे है, 2 के पीबी पे है, तो पिछले कितने सालों से वो किस पीबी पे ट्रेड, प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। तो अगर वो पास्ट के प्राइस टू बुक वैल्यू से ज्यादा पे ट्रेड कर रही है, तो हम उसको रुक जाएंगे, अभी अवॉइड करेंगे, वेट करेंगे प्राइस करेक्शन का। और अगर कम पे कर रही है तो हमारे लिए वो एक अच्छा टाइम होगा। क्या ये मैं आप लोग को समझा पाया, क्लियर है यस सर, सबको, क्लियर यस है? सर, ठीक है, यस सर, दो कंपनी आप लोग लिख लीजिए, एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैं कभी भी कोई छोटी मोटी कंपनियां बता के कुछ नहीं करूंगा, इसके इसको कहने या ना कहने से कोई दुनिया का एक आदमी इसके प्राइस को फ्लक्चुएट कर ही नहीं सकता, तो इसलिए डोंट वरी। और दूसरी कंपनी है आपकी एशियन पेंट। ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां है, इंडिया की टॉप कंपनियां हैं, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों को देखें, समझें, क्योंकि जब मार्केट में न्यूज आएगी कि आपका ग्रासिम आ रहा है, ये हो रहा है, तभी आपको अच्छी कंपनियां लो प्राइस पे मिलेंगी। जब हिंडनबर्ग का न्यूज आएगा तभी आपको अदानी पोर्ट जैसी कंपनी 700 पे मिलेगी, अदरवाइज तो अदानी पोर्ट 1400 हो गई, और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको पता है कि हमने 700 पे खरीदा और 1200-1250 पे बेच के निकल गया जी। हमें नहीं पता कौन से दोबारा हिंडन बर्ग आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता है उसका खरीदने का प्राइस क्या था, हमें पता है उसे निकलने का प्राइस क्या था, हमें मुझे पता है, हो सकता है अगर को 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, मुझे बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से जो प्राइस खरीदने का था उस पर मैं खरीदूंगा। मेरे हिसाब से अगर आज एशियन पेंट एक प्राइस जो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा का हो गया, तो मैं, मेरे को कौन सा एशियन पेंट से क्यों प्यार है जी, मेरे को एशियन पेंट से कोई प्यार नहीं, लेकिन मैं एशियन पेंट को तब तक खरीदूंगा, एचयूएल को तब तक खरीदूंगा, टाइटन को तब तक खरीदूंगा, एचडीएफसी को तब तक खरीदूंगा, जब तक वो अपने जो सही वैल्यूएशन है उससे नीचे मिलती रहेंगी। जब तक मिलती रहेंगी तब तक खरीदता रहा। विवेक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आज तो सैटरडे है, छुट्टी होनी चाहिए थी आपकी। सर आज हम थोड़ी सी ऐसे ही दोस्त के साथ गए थे, अपने पीछे जो घर है ना उनके लिए हाँ जिमनी खरीद के लाए हैं, अभी घर ही पहुंचा हूँ मैं, घर घर क्या के लिए जिम, गाड़ी में बैठा हुआ हूँ फिलहाल। घर के लिए जिम खरीद के लाए हैं या लोगों के लिए जिम जिमनी खरीद के लाए? जिमनी सर जिमनी अच्छा अलवर से जिम, लेके आए हैं, वो 3.5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा था उसपे। हाँ ओहो अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ओके तो अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा था सर आपका, मतलब शेयर के लिए मैंने वो फीडबैक नहीं दिया था, मैंने गाड़ी रोक के फीडबैक दिया था, वो हाँ इसलिए कि मतलब सेशन अटेंड करना जरूरी है। शेयर तो मुझे पता है भाई, ये अच्छा भी पता थे और भी 4 पता हैं कौन से अच्छे हैं,
ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली सुनने से ना माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है। बस तो मैं उसी माइंडसेट चेंज करने पे काम, लोग कहते हैं जो लोग मेंटरिंग कराते कहते हैं सर आप कितने सेशन लोगे, मैं कहता पता नहीं होता, एक ही लोग दो ही लोग पता नहीं कितने लोग ले ही नहीं पाता, टाइम ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि जब आपके माइंड को चेंज करना है ना तो वो नंबर ऑफ सेशन से तो डिफाइन नहीं हो सकता ना, वो तो धीरे 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 जुड़ के ही हो सकता है। तो बहुत ये अच्छा बात भी लगा। तो। ओहो ये गाड़ी लाए हैं तो कल रख हाँ अभी आई, दो, अभी आई। जाएंगे आप इसको, तो ये तो आपके घर के सामने पार्क हुई है आपने कंग्रेचुलेशंस। विवेक जी, ये जो ग्रुप में, अच्छा मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हम लोग जून में एक फिजिकल प्रोग्राम कर रहे हैं गुड़गांव में किसी अच्छे 5-स्टार होटल में, तो अगर आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक दिन का पूरा संडे का पूरा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कुछ लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, अटेंड किया हुआ है 2 घंटे 3 घंटे वाले, ये होगा सुबह 9 बजे शुरू होगा और शाम को 4 बजे 5 बजे तक होगा, लंच वंच ये वो सब होगा। नो डाउट लंच वंच करने के पैसे आप ही देंगे, मैं नहीं दूंगा, मैं प्लीज वो आपको देना पड़ेगा, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, किसी से कोई पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जो आपका खर्चा होगा वो आपको देना होगा। और हम अच्छा सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग एंजॉय करें, सब लोग एंजॉय करें। मिलेंगे सर, मतलब हाँ आएंगे। तो हाँ तो आप लोग एंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ मिलके, हो सकता है कि हमारा एक यही परिवार बन जाए, इसी परिवार को आप एंजॉय करेंगे। कहते ना कुछ लोग कहते ना हमारे दोस्त नहीं है हमारे पड़ोसी नहीं है, परिवार तो बन जाते हैं बस आपको बनाने के ऊपर। थैंक यू वेरी मच हाँ नहीं दीपक नहीं जी। सर, इन सभी से मिले हुए भी नहीं है, तो मिलेंगे तो अच्छा हाँ लगेगा हाँ तो सर, यही मतलब एक बहाना ना हो कि सकता है कि आपस में मिलके कुछ हमारा, वीडियो पे ही देखते हैं एक दूसरे के चेहरे ना, तो बस बस। मिलेंगे ठीक लगेगा। दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, गुरु जी नमस्कार नमस्कार बताइए। सर। आपके साथ जुड़ करके ना बहुत सारी चीजें और माइंडसेट को चेंज हो गया। मैं कुछ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने आपसे पिछली क्लास में सीखे थे, यानी पिछले ईयर, जो आपने हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के क्लास ली, बजट बनाना। तो गुरु जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले साल जो मेरी सेविंग थी वो 10% हुई थी, इस साल वो बढ़ करके 13 से 14% के बीच में आ गई है। वेरी गुड वेरी गुड, यही आपकी यही और आपका गुरु जी सीएजी जो आ रहा है, ये जो 4% आपने सेविंग को बढ़ा दिया ना ये भी आपका सीएजी आ रहा है। अगर आपने मार्केट से 12% कमाया और 4% आपकी सेविंग बढ़ गई तो एक्चुअल में आपका सीएजीआर 16% का हो गया। यही फाइनेंशियल सोलह लिटरेसी है, फाइनेंशियल परसेंट लिटरेसी का ये और कहीं गुरु जी से एक मतलब नहीं चीज है कि और, आपको स्टॉक मार्केट से ही सारा कमाना। नहीं, और गुरु जी एक चीज और है, जो आपने स्टोकेस्टिक के बेस पे क्लास ली थी, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म यानी वीकली के बेस पर, मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ गुरु जी। 10 फरवरी में मैंने क्या नाम है वोल्टास के शेयर खरीदे और आज उनका रिटर्न 14% है। तो सब लोग और ताली मैं बहुत बजाते हैं। हैप्पी और देखिए रूल बेस्ड आप ट्रेडिंग करेंगे, इमोशंस को ट्रेडिंग से हटा दीजिए, बिल्कुल से रूल बेस्ड रूल मैंने बेस्ड ये बना लिया है, अगले साल तक मैं केवल स्टोकेस्टिक के अलावा किसी इंडिकेटर को बस। यूज ही नहीं करूंगा। आप स्टॉकिस्टिक करिए, आप आरएसआई करिए, आप डीएमए करिए, मैंने सारी स्ट्रेटजी बताई हुई है, जो कहोगे हम रिवाइज करा देंगे, जब कहोगे कर देंगे, या मेरे YouTube पे जाओगे वीडियो है। आपको रूल फॉलो करना है कि जी मैं तो स्टॉकिस्टिक इतना आएगा तभी खरीदूंगा और स्टॉकिस्टिक इतना जाएगा तभी बेचूंगा, काम खत्म, मेरे ये 50 स्टॉक है इन्हीं को देखता रहो। आपको कोई एक्चुअल में समस्या क्या है, हम कोई रूल को मान ही नहीं पा रहे, हम किसी रूल को अपना ही नहीं पा रहे, हम आज कुछ खरीदते हैं कल किसी और रूल से खरीद लेते हैं, बेचते समय याद ही नहीं होता कि किस रूल से खरीदा था। तो वो सारी समस्याएं हमारे ट्रेडिंग की हैं जिससे और आपको एक बाहर चीज आना। और, हाँ बताइए। एक चीज और गुरु जी, आपने एक बुक रेकमेंड करी थी, मतलब मैं वो पढ़ रहा था, उसमें लास्ट में मुझे मिला कि क्या नाम है प्लेस, मतलब जो शपथ लेते हैं ना ओथ, तो उस ओथ के बेस पर मैं डेली, मतलब उसी ओथ को लेकर के मैं इन्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ और जो आपने सीखा उसी के बेस पर ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। तो मतलब एक माइंडसेट क्लियर हो गया कि इस रूल के बाहर नहीं जाना किसी भी बस कंडीशन में। तो दीपक जी आप सबके लिए एक तरह से उदाहरण हैं, तो सब लोग दीपक जी से सीख सकते हैं, और अगर आप लोग तो सीखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ हमें पैसा से अमीर नहीं बनना, हमें खुश बनना, खुश रहना, जिस दिन ये मान लेंगे पैसा आ जाएगा। भावना जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस सर, वेरी गुड इवनिंग सर। यस प्लीज। जैसे सर ने बोला, दीपक सर ने बोला अबाउट स्टॉकिस्टिक, मुझे एक ही चीज पूछनी थी कि स्टॉकिस्टिक में जब हम ये वो देखते हैं आपके डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, तो 1 ईयर में अलग दिखाता है, 5 ईयर्स में अलग दिखाता है, ऑल टाइम मंथली में अलग दिखाता है, विच शुड वी कंसिडर, मतलब आप वन हमें ईयर के कौन लिए सा। खरीद आप 1 ईयर के लिए खरीद रही हैं कि 5 ईयर के लिए खरीद रही हैं कि हमेशा के लिए खरीद रही हैं?
अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं 10-20 साल रखने के लिए, तो आप लॉन्ग टर्म का लगा दीजिए। आप 2-4-5 साल के लिए खरीद रही हैं, तो आप 5 ईयर के लगा दीजिए। आपको ट्रेड करना है कि हाँ जी 6 महीने 1 साल में बेचना है, तो आप 1 साल वाला स्टॉक स्टिक लगाइए। गॉट इट सर। सिंपल सी बात है, आप जिस रेस की तैयारी कर रही हैं उसी हिसाब से दौड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप 100 मीटर की रेस में मैराथन की तरह दौड़ेंगी या मैराथन में 100 मीटर की तरह दौड़ेंगी, दोनों ही केस में आप हार जाए। तो वो रेस एकदम क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं 1 साल के, मैं करता हूँ, मैं भी, हम लोग शॉर्ट टर्म हम लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, तो हम वही देखेंगे कि हाँ जी आपने 1 साल का स्टोकेस्टिक लगाया, 1 साल में हो गए। अनिल सिसोदिया जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगता है सर आपको देख के। नमस्कार त्रिपाठी जी, कैसे हैं आप? एकदम ठीक सर, एकदम ठीक। उम्मीद करता हूँ बस कि मैं कुछ मैं हेल्प कर पा रहा हूँगा। सर आप ही की हेल्प की बदौलत चल रहे हैं स्टॉक मार्केट में। मैंने पहले भी शेयर किया है, आज बड़े अरसे बाद क्लास कर पाया क्योंकि एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, तो वो सब कंडक्ट कराना जिम्मेवारी होती है। और अब अच्छा फ्री हुआ तो मैं कहा, अभी भी ड्राइव करते हो, मैं कहा चलिए मैं सर से बात कर लूं अगर संभव है 2 मिनट के लिए। सर, एक चीज मैं बस बताइए, जी मुझे जी एक बात करनी है। क्या आपको लग रहा है कि पिछले 2-3 सालों में आपके पास एक अच्छा फंड तैयार हो चुका है इसकी वजह से? मैं दोनों चीजों में बताऊंगा सर। मेरी हाँ अपनी जो पहले की जो सेविंग्स थी, जैसा दीपक जी ने भी बताया, एक तो आपकी क्लासेस के बाद में वो सेविंग्स बढ़ गई सर, और दूसरा अच्छा पार्ट ये है कि मैं पिछले लगभग 3 साल से, जब से आपके साथ जुड़ा हूँ 2021 से, तब से लेकर के अब तक मैं हर साल प्रॉफिट में हूँ। और इस साल का मेरा प्रॉफिट अगर मैं नेट देखता हूँ तो लगभग 27-28% का है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यही यही है, अगर आप रूल को, पेशेंस को फॉलो करेंगे। हम लोग शायद अनिल जी 1 या 2 बार मिले थे, फिजिकल सेशन आपने भी अटेंड किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। जी आप बिल्कुल नोएडा से बारिश के दिनों में भीगते हुए गुड़गांव आए थे, भाग जी भीगते हुए, पूरा गुड़गांव जाम था, फिर भी सर का कमिटमेंट था कि मुझे आना है, फिजिकल सेशन अटेंड करना है, और उन्होंने अटेंड किया था। तो ये होता है कि नहीं सर, आपको किसी चीज को कमिटमेंट होती है, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों को पढ़ाई में कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड वाइफ के लिए शादी में कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपके हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक की कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, फूड की कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में रूल्स की कमिटमेंट है। रूल्स को नहीं तोड़ना, इमोशंस पे नहीं जाना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप मैं हेल्प कर पाया आपका। मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सेशन लूँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। मैं फिर आप लोगों से माफी मांग रहा हूँ, एक्सक्यूज बहुत सारे लोगों को मैं मी सर, सर मैं यस मैम, यस मैम, किसने बोला? आपने शेयर्स नहीं बताए। मैंने दोनों शेयर बता दिए मैम। सर आई एम सॉरी, एक बार आप फिर वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, यूट्यूब पे मिलेगा। अच्छी बात है, मेरा एक व्यू बढ़ जाएगा। सर वो तो मैं वैसे भी देखती ठीक है, हूँ। मैंने दोनों शेयर बता दिए, इसका मतलब आप कहीं और बिजी थे, आप क्लास हाँ में, सर, मैं थोड़ी देर के लिए आपका इधर क्लास चली में गई। ध्यान नहीं था। आप लोग बच्चों को डांटते हैं ना, बच्चों का ध्यान नहीं रहता क्लास में तो? नहीं सर, क्लास में तो थी, थोड़ी मस्कुलियत हाँ ऐसे ही इधर उधर ऐसे ही गया था बच्चे घर। बेचारा, जब क्लास में बच्चा ऐसे ही कहता है तो आप उसको माफ कर देती हैं? चलिए थैंक यू वेरी मच, आपको मिल जाएगा मैम, लोग बता देंगे आपको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।